FCI विभाग में जहां खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता है, वहां विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभगत से विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं लाखों के घोटाले, जिन पर कोई अधिकारी कार्यवाही करने तक को तैयार नहीं है। आपको बता दें, FCI विभाग के गोदाम के बाहर विगत 4 दिनों से खाद्यान्न से भरे ट्रक खड़े हैं, लेकिन विभाग उनकी गाड़ी को खाली करने को तैयार नहीं है और ये कह रहा है कि जब तक 10 गाड़ी नहीं हो जाती, माल नहीं उतरेगा। इस पर गाड़ी स्वामी और ड्राइवर जब आला अधिकारियों से बात करने के लिए FCI गोदाम के अंदर जाने लगते हैं, तब FCI गोदाम के कुछ गुंडों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जाता है और साफ तौर पर कह दिया जाता है कि जब तक 10 गाड़ी नहीं आएगी, खाद्यान्न नहीं उतरेगा। तो वही मामले का संज्ञान लेते हुए SDM विवेक प्रकाश ने FCI के अधिकारियों को ट्रक खाली करने के निर्देश दिए और अनाज से भरे ट्रक खाली न होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी। बाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। कह रहे हैं कि मैं सरकारी अधिकारी हूं, उसके बाद ही तो ये बात बड़ी है। अधिकारी मैंने बोला नहीं। नहीं तो भाई साहब, आपको किसने अधिकार दिया कि अगर कोई आपसे ये कह दे कि अगर आप हमारा माल नहीं उतारेंगे तो हम SDM साहब के पास जाएंगे तो आप हमसे मारे मारी करने लेंगे, ये अधिकार किसने दिया? आप कुर्सी से उठे, आपने हमारी तरफ को हाथ चलाया, हम तो भाई साहब खड़े ही थे। मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। सरकारी आदमी मारा मारी कर ही नहीं सकता भाई साहब। तो आपने क्यों करी? आपने क्यों करी? आप कुर्सी से उठे क्यों? काले भाई, इनसे ये पूछिए, ये कुर्सी पे जब बैठे थे तो ये उठे क्यों हमारी तरफ को मारने के लिए और यूं करने के लिए? क्यों उठे आप? हाँ, क्यों उठे आप? फिर क्यों उठ गए? हम तो खड़े थे, हम आप क्यों उठ गए? आप क्यों उठ गए? काले, मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। हाँ, सवाल गलत नहीं कर रहा हूँ। हमने आपने यही तो कहा, आगे लिख दो क्या वजह है जो गाड़ी खाली नहीं हो रही, यही कहा, वो भी तब जब आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, वरना नहीं। ये कहा हमने, आपने क्या कहा? सुनो, हम लेटर लिख रहे हैं सर, ठीक है। अब गाड़ियाँ कुरुक्षेत्र से गेहूँ लेके FCI का बाजपुर में आई हुई हैं। मैं सुबह से यहाँ परेशान हूँ और बंदरों ने तिरपाले फाड़ दी, माल भेजने का खतरा है। मेरे गाड़ियों की किस्तें टूट रही हैं, 60,000-60,000 रुपये की किस्त है, रोज का मुझे 10,000 रुपये खर्चा पड़ रहा है दोनों गाड़ियों का। लेकिन अगर मैं अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ इनसे बात करने के लिए, तो ये मुझे कह रहे हैं पहले हल्द्वानी से परमिशन लाओ, उसके बाद बात करना। गेट के अंदर घुसने की मुझे इजाज़त नहीं है। कागजों में मेरी गाड़ियों का माल इनके यहाँ का लिखा हुआ है। इस माल को क्या मैं खोपड़ी पे रखूँ, कहाँ लेके जाऊँ इस माल को? यहाँ बंदर नुकसान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं या तो इसे मैं अपने गोदाम में खाली करूँगा, क्योंकि 10 दिन तो मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। और अधिकारी, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या सिखाया जाता है, क्या करा जाता है जनता, शायद इनका जनता से कभी मिलना ही नहीं होता। यहाँ ड्राइवर क्लीनर को पब्लिक समझते नहीं है, जितनी बदतमीजी से पेश आते हैं इनके सुबह से 7-8-9 बजे से कि हमारा कोई समाधान निकालो, लेकिन नहीं, कोई इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे लाखों का माल सड़ जाए गेहूँ में बरसात में। अभी अभी भाई साहब ने हमारे सुरेंद्र शर्मा, हमारे बहुत परम मित्र हैं, इन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे 4 दिन से हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चलो चल के वहाँ अधिकारियों से बात करते हैं। जब यहाँ गेट पे पहुँचे, इन्होंने हमें चले गए पहले तो एक बार और फिर बाद में धक्का मार के निकाल दिया। और ये पत्रकार बंधु भी आए यहाँ पे, इनके सामने की बात है कि इनको भी धक्के मार के बाहर अंदर जाने नहीं दिया कि पहले हल्द्वानी से जाके परमिशन लेके आओ, उसके बाद हमारे गोदाम में आप एंट्री कर सकते हैं। वही सलूक इन्होंने हमारे साथ करा। एक हमारे रफीक अहमद जी हैं, उनके साथ तो मारामारी को तैयार हो गए। मैं बीच में अगर नहीं पड़ता तो शायद वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देते उनकी। मतलब ये भाई साहब, ये 2 गाड़ियाँ हमारी हरियाणा से माल लेकर आई हैं, आज 4th दिन हो गया इनको खड़े हुए। मेरा नाम रफीक अहमद है, ये गाड़ियाँ अपनी ट्रांसपोर्ट से चलती हैं। हमने इनसे आके कहा कि भाई साहब ये गाड़ियाँ खाली करवा लो हमारी, क्या वजह है ये गाड़ियाँ क्यों खाली नहीं हो रही? तो ये बोले भाई जब तक हमारे पास 10 गाड़ियाँ नहीं होंगी, जब तक हम इन्हें खाली नहीं कर सकते। तो हमने कहा यार 10 गाड़ियाँ तो पता नहीं कब होंगी कब नहीं होंगी, 4 दिन से तो कोई भी गाड़ी नहीं आई। आपको जो भी मजबूरी है कागज़ पे, हमारे कागज़ों पर लिख के दे दो, हम जहाँ से माल लेकर आए हैं भर के, हम वहीं को इन्हें वापस कर देंगे। तो इनके खर्चे होते हैं बहुत, 60,000-60,000 की किस्तें हैं, ड्राइवर कंडक्टर बहुत, खड़ी गाड़ी का 5,000 का खर्चा पड़ता है। तो ये बोले भाई हम लिख के नहीं देंगे। मैं कहा अगर लिख के नहीं दोगे तो भाई हम SDM साहब के पास जाएंगे, आपको फिर वहाँ आके जवाब देना होगा। तो जब हमने इतना कहा तो ये कुर्सी से बैठे हुए खड़े हो गए, हमारी तरफ को मारने के लिए लपकना शुरू कर दिया। फिर 2-4 गार्ड बुला लिए, लेबर वाले बुला लिए, फिर जो हमारे साथ वाले लोग थे उन्होंने इन्हें समझाया, हमें बाहर कर दिया कि भाई तुम जाओ ऑफिस से, यहाँ क्या फ़ायदा, ये तुम्हारे साथ बेइज्जती करेंगे, ब्लेम लगा देंगे कोई ना कोई। हम लोग फिर बाहर आ गए, फिर हमने इनके RM से, SDM साहब से और जहाँ भी हमने शिकायत कर सकते थे हमने शिकायत की है, और हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक हम CM पोर्टल पर भी इनकी शिकायत कर दें, क्योंकि
गाड़ी खड़ी खाली ना होना ना होना तो भी अलग बात है, लेकिन क्या एक जिम्मेदार आदमी बैठा हुआ कुर्सी पर प्रबंधक की, वो हमारे साथ ये सलूक करेगा कि हम उनसे कहें भाई या तो खाली कर दो या लिख के दे दो कि हम वापस ले जाएं, और अगर वो मना कर रहा है तो हम ने कह दिया सीधे सीधे कि हम SDM साहब के पास जाएंगे तो वो हमें मारने के लिए उतारू हो जाएगा। क्या जिम्मेदार आदमी का, एक पढ़े लिखे आदमी का जो 80,000 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, क्या उसका ये सिद्धांत होगा, ये रवैया अपनाएगा वो जनता के साथ? उस गाड़ी का ड्राइवर हूँ 1357 का, यहाँ पे 3-4 दिन से खड़े हैं हम, जब भी जा रहे हैं 15-15 घंटे तो कह रहे हैं 10 गाड़ी जब इकट्ठी हो जाएगी तब गाड़ी खाली होगी आपकी, और यहाँ पे हम 3-4 दिन से खड़े हैं, बरसात में अगर माल भीग जाएगा तो दिक्कत होगी, और बंदर तिरपाले फाड़ रहे हैं बार बार इनसे जा रहे हैं, तो अंदर कह रहे हैं कि 10 दिन बाद ही 10 गाड़ी होंगी तभी गाड़ी खाली होगी। सर बहुत ज़्यादा परेशान है, गाड़ी नहीं खाली हो रही इस चक्कर में।